तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर शब में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है अल्फा ड्रैगन आर्कॉन वर्सेस सुपर सीएन इन्फिनिटी, जो कि हमको लॉर्ड आइजन की एनिमेशन में दिखाया गया था। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसमें हमको ग्रोथ होने में, रीच बनने में अच्छी हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो एक तरफ है अपना अल्फा ड्रैगन आर्कॉन, जो कि क्रिएशन तो किसी और की है, पर उसे अच्छे से एक्सप्लेन हमने अपनी फिक्शन वॉर में कर दिया था। अगर आपने अभी तक हमारी फिक्शन वॉर नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी। दूसरी तरफ है सुपर सैयन इन्फिनिटी, जो कि अपने लॉर्ड आइजन की क्रिएशन, जो कि उन्होंने अपनी फैन एनिमेशन में दिखाई थी। तो उसका मतलब होने वाला है अल्फा ड्रैगन आर्कॉन हमारी क्रिएशन और सुपर सैयन इन्फिनिटी है लॉर्ड आइजन की क्रिएशन। उसका मतलब हर्षव वर्सेस लॉर्ड आइजन, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के बारे में। तो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के अभी तक हमें किसी भी स्टोरी लाइन में, किसी भी जगह पे हमें अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की स्टोरी और ओरिजिन देखने को नहीं मिला था। पर मैंने अपनी जो फिक्शन वॉर थी उसमें मैंने अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की खुद से स्टोरी बनाई थी, खुद से ओरिजिन बताई थी, जो मैंने आपको अपने चैनल पर बता दी थी। तो चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन जो है, आपने अगर एनएमए वॉर देखी होगी जो कि मास्टर मीडिया ने बनाई है, तो उसमें क्या होता है, वो आर्कॉन को जब अपना ओमनी को कुछ समय वो मार देता है, पर कुछ कुछ करके अल्फा ड्रैगन अपना जो आर्कॉन है वो बच जाता है और वो अपने पीसीस को वापस से जोड़ लेता है। और गाइस, तब एक सुप्रीम बीइंग आता है और सुप्रीम बीइंग अपने अल्फा ड्रैगन आर्कॉन को इतनी ज़्यादा पावर दे देता है, जो अपना आर्कॉन है वो एक नई फॉर्म में चले जाता है, जिसका नाम होता है अपनी अल्फा ड्रैगन आर्कॉन, जिसमें आर्कॉन अपनी नॉर्मल फॉर्म से 100 से 200 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आप मान सकते हो, अगर आर्कॉन अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना ही पावरफुल था कि वो ओमनी किंग जेनो तक को टक्कर दे रहा था, तो सोचो वो उससे भी ज़्यादा 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब आप 100 आर्कॉन ले आओ तो बनेगा अपना अल्फा ड्रैगन आर्कॉन, सोच सकती है वो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा। तो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की लुक बहुत ज़्यादा बैडेस है, पूरे का पूरा ब्लैक कलर का या वाइट कलर का आपको देखने को मिल जाएगा अल्फा ड्रैगन आर्कॉन, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ी नज़र डालें, तो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन टोटली ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है। यस गाइस, अल्फा ड्रैगन आर्कॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन हर टाइप की मैनिपुलेशन की पावर पर रूल करता है। वो मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, पावर मैनिपुलेशन कर सकता है, स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है, क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय किसी भी चीज़ को कर सकता है, मल्टीवर्स, हाइपरवर्स, ओमनीवर्स, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास आती है एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर, वो जितना चाहे वो एक अपनी उंगली की फिंगर से कितने बड़ी जॉइंट बॉल को क्रिएट कर सकता है कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन ने अपनी स्टोरी लाइन में सुपर सैयन इन्फिनिटी को भी टक्कर दी है, और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी है। तो अब बात करते हैं अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में। तो सुपर सैयन इन्फिनिटी में होता क्या है, अपना जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो सारे के सारे जी वॉरियर्स को जान से मार डालता है। तब गोकू क्या आता है, तब गोकू के अंदर इतना ज़्यादा रेज, इतना ज़्यादा एंगर भर जाता है कि गोकू अपनी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो लास्ट में पहुंच जाता है अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी के ट्रांसफॉर्म में, जिससे उसके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उसकी हेयर का कलर पूरी तरह से वाइट हो जाता है, और गोकू के माथे पर एक वी तरह का साइन आ जाता है, जिसे हमको पता चलता है कि गोकू अपनी फाइनल फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में है। गोकू की सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, और ओमनी कुछ भी जो भी है, ओमनी है, पर आई थिंक, मुझे जैसा लगता है कि जो अपना गोकू है ना, वो अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में ओमनीप्रेजेंट नहीं है। बिकॉज अगर वो ओमनीप्रेजेंट होता तो वो ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ रहा नहीं होता, वो किसी बड़े बींग से लड़ रहा होता, बिकॉज ग्रैंड प्रीस्ट एक ओमनीसिएंट बींग नहीं है। तो अगर उससे वो सुपर इन्फिनिटी लड़ रहा है, तो आई डू नॉट थिंक दैट दिस इज़ अ ओमनीसिएंट बींग। सो तो अगर इसे कुछ पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करें, तो उसके पास कुछ सारी की सारी एबिलिटीज़ आती है जो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के पास थी, जैसे कि मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, यूनिवर्स क्रिएशन, यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन, मल्टीवर्स क्रिएशन, मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन। अगर सुपर इन्फिनिटी चाहे तो अपने एक काम में हमें हाथ से मल्टीवर्स, हाइपरवर्स, ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स पर रूल करता है, और वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड करेक्टर है। तो गाइस, दोनों की हमने पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो विनर देखते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं लॉर्ड आइजन की, जो एनिमेशन में हमको सुपर सैयन इन्फिनिटी दिखाया गया है,
तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर उस सुपर सैन इन्फिनिटी को मेरे अल्फा ड्रैगन आर्गोन से भिड़वाया जाए ना, तो मेरा अल्फा ड्रैगन आर्गोन सुपर सैन इन्फिनिटी की बुरी हालत कर देगा, मेरा अल्फा ड्रैगन आर्गोन जीत जाएगा। यस गाइस, मेरा अल्फा ड्रैगन आर्गोन जीत जाएगा। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे सुपर सैन इन्फिनिटी की, जो कि हमको सबसे पहला सुपर सैन इन्फिनिटी दिखाया गया था, तो उस मैच में दोनों की टक्कर बराबर की होगी, पर आखिर में सुपर सैन इन्फिनिटी मेरे अल्फा ड्रैगन आर्गोन को डिफीट कर देगा। तो फॉर क्लियर, इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन जीता है। तो जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मुझे, पूरा रीज़न देना कि कौन कैसे जीतेगा, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा एक रीज़न देना कि कौन कैसे जीतेगा, तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो सारे लोग देख लेना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।